बिना बरतते रहो इतने घट में प्राण। और कभी तो दीन दयाल के तो भड़क पड़ेगी काने जी। हरी धरती माता तू बड़ी और तो तेरे ते बड़े भगवान। और गुण विद्या धन देत है मेरे सच सचे नारायण जी। और शेर चढ़ी देवी मिली तो गरड़ चढ़े भगवान। और बैल चढ़े शिव जी मिले तो मेरे दो हृदय में ज्ञान। तो ये शिव कथा जिसको बमलेही भी कहते हैं ये हमारी सबसे पुरानी कथा है। और ये कथा हम आपके सामने शुरू करेंगे। अब सुनिए हमारी ये बमलेहरी। जिस समय राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ रची, यज्ञ रचने में सब देवता लोगों को बुलाया और शंकर भगवान को नहीं बुलाया, तो पार्वती जी ने कहा पिताजी आपने शंकर भगवान क्यों नहीं बुलाए। तो राजा दक्ष ने कहा बेटी उसका रूप भयंकर है, उसका रूप देख के सब देवता लोग भाग जाएंगे, इसलिए शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अच्छा, तो पार्वती जी अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत पे पहुंचती है जहाँ शंकर भगवान समाधि लगाए बैठा था और कह लगी ए महाराज आप क्यों नहीं पधारे, मेरे पिता ने तो एक बहुत बड़ी यज्ञ रची। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी जबकि तेरे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया अब कैसे आ सकते, हम नहीं जा सके थे। अच्छा कि हाँ अब यहीं से हमारी ये शिव कथा शुरू होती है, आप सड़े बड़े शांत है सुनिए। रामचंद्र शंकर का भजन कर, रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर पार्वती, शिव के भजन कर पार्वती। कह लगे शंकर बोले, कह लगे शंकर बोले, और खोल पलक बम देखे नाथ जी, खोल पलक बम देखे नाथ जी। आजो चेर बैठे रहो ने, आजो चेर रटो राम के नाम तुम्हें, रटो राम के नाम तुम्हें। बोले पार्वती शब्द सुनावे, बोले पार्वती शब्द सुनावे, हे शंकर बोले लहरी, हे शंकर बोले लहरी। चेली का कहना छोड़ नाथ जी, कहो भी घर की नारी, आपको घर की नारी, नारी कहो तेरे संग चलूंगी, नारी कहो तेरे संग चलूंगी, जन्म जन्म की रहूंगी दासी, जन्म जन्म की रहूंगी दासी, तेरी छा में घोट बिजिया जाऊंगी, घोट बिजिया जाऊंगी। तू भी पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया, तू भी पीवेगा तेरा पीवेगा ना दिया, बची कुची जाऊं सारी, बची कुची पी जाऊं सारी। अगर बम 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 और अगर बम बम अगर बम 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 भी और अगर बम 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 भी और अगर बम भी और बम लहरी। लगे शंकर भोले, लगे शंकर भोले, तेरी एक सुने नेरी पार्वती, एक सुने नेरी पार्वती, चंद्रमुखी है पार्वती, चंद्रमुखी है पार्वती, कोई सूरजमुखी लड़का ढूंढो, कोई सूरजमुखी लड़का।
करे गोरा शालूरी मांगेगी मांगेगी जलड़ी भर गए ना मांगेगी भर गए ना मांगेगी छन पछेली बाजू बंद नुगरिया पायो में भी पायल मांगेगी जगमग जगमग नाड़ हले जगमग जगमग
कमर करे मेरा गोडे से गोडा लगता मेरा रूप भयंकर देख देख के डर डर के मर जा पार्वती
शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, ऐ पार्वती जी, तू राजा महाराजा की लड़की होती हुई क्यों पागल होगी? तो पार्वती जी कहती है, महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शंकर भगवान कहते हैं कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जागता तो कौन गया परसो। तो पार्वती जी उत्तर देती है महाराज के, राम जगत में एक है और चांद सूरज है दो, और पाप जगत में जागता तो धर्म गया परसो। पार्वती जी ऐसा नहीं, देखिए मैं फक्कड़ आदमी पहाड़ में रहता हूँ, मेरा रूप भी भयंकर है, ये जीवन साथी बनना बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो आँख ढाका तो भोजन बनाता हूँ। पार्वती जी मेरे पास तो कुछ भी सरो सामान नहीं। तो एक सुनिए, आप शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं तो राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर पर न गोष्टे आया सुन भांग रगड़ के दिया साले और ढण आड़े कंबल तक मेरे पास नहीं, साले साले और ढण आड़े कंबल तक मेरे पास नहीं, मैं राख बोल के पिया करूं अड़े पानी तक की आस नहीं, राख बोल के पिया करूं पानी तक मेरे पास नहीं, तू बागा की कोयल से अड़े बर्फ पड़े हरी ¡Gracias!
दर्शनी फकर के रंग राग देख के डर जागी। अब तू के दर्शनी फकर के रंग राग देख के डर जागी। मैं राख गोल के पिया करूं तो मेरा भाग देख के डर जागी। राख गोल के पिया करूं पटरी गले में मेरी नाग देख के डर जागी। अरे तो सोना तेरा पटरी नाग देख के डर जागी। मैं पच दूना के बीच तपू मेरी आग देख के डर जागी। अरे पंच दूना के बीच तपू मेरी आग देख के डर जागी। तो राजा की बेटी से शादी करवा ऐसा मेल मिलाना ठीक नहीं। राजा के संग शादी करवा मिलाना ठीक नहीं। मैं सुल्फा गांजा भी मैं खाऊं तू तेल पिलाना ठीक नहीं। सुल्फा गांजा भी मैं खाऊं तेल पिलाना ठीक नहीं। आहा जिसकी पन्नी धार हो ऐसा सेल चलाना ठीक नहीं। जिसकी पन्नी खेलता मैं रच राख्या यू खेल खिलाना ठीक नहीं। जुड़सा खेल तो मैं रच राख्या यू खेल खिलाना ठीक नहीं। कह मांगेरा मैं बोझ मैं मर जा। पार्वती जी कहती है महाराज शंकर भगवान आप ऐसे नहीं मानोगे। महाराज मैं आपको ऐसा श्राप दूंगी महाराज आपकी कुटी भस्म हो जाएगी। तीन लोक में आपका पता नहीं पाएगा। आप भी जल जाओगे। आपका जो बैल नादिया है ये भी जल जाएगा। महाराज चरंत परंत जो कुछ जीव जंत हैं कैलाश पर्वत में सब भस्म हो जाएंगे। आपको ऐसा श्राप दूंगी। तो शंकर भगवान को इतना सुना और थर थर शरीर कांप जाता है। पार्वती जी ऐसे शब्द मत बोलो। क्यों कि श्राप का नाम छोड़ दो ऐसा वचन मत कहना। तो पार्वती जी कहती है महाराज बगैर वचन के मैं नहीं जाऊंगी आपको बनूंगी। और बल्कि अब मेरी बात सुनिए। बम बम भोले नाथ मादे बम बम भोले नाथ मादे क्यों डर व्यास मेरे ते तीन लोक के भंडारी मैं ब्याह करवाऊं
नाचिए तेरे चाल दुसाले नहीं जरूरत गहने की भजन पे Thank you.
कहे मैं सम बड़ी मेरे दुनिया पानी भरती है और उतर के मैं सम बड़ा मेरे दुनिया दर्शन करती है के अकल के मैं सम बड़ी मैं सरा कचेरी लड़ती हूँ तकदीर के तम तीनों झूठी मैं जो चाहे सोई करती हूँ भाई बन जाते हैं रिश्तेदार भाई बन जाते हैं रिश्तेदार जब जर पास होता है और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है भाई कर्मों की कम नसीबी दिन बुरे आने लगे जिनको ती फूलों से नफरत ठोकरे खाने लगे कौन नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा नरसी भात भी कहते हैं इसको आप सुनिए कौन के नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ मनसा सेठ की हाँ लड़की ब्याही हुई थी किसकी के नरसी सेठ की भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जोता सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया आप सरसागर से चिट्ठी आ जाती है भात की अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है और कहने के झगड़े बहुत है अब श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं सरसागर में आ जाते हैं और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से कमजोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे जाके कहती है अपने पिता से कि ऐ बेईमान तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी लज्जा को डबो दिया आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था तो क्या कहती है और क्या नरसिंह बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है अब सुनिए हर सरसागर पे चल जा मन है अपनी शान दिखावे ना
पिताजी साहब, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी आप मेरे कोरने ना मारो, मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा। अच्छा कि हाँ, अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और उस गौ साले के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं। और कृष्ण भगवान जिस टाइम दुकान लगा के बैठ गए, सवेरे का टाइम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले। देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही वही सामान जो जो उसके सिमदी सिमधन ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था, तो सारा का सारा सामान वही नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसी भगत कहते हैं, महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है, परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों? कि उनका पहले भगवान के नाम पर दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था पहले उसका। महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथुआ लाता हूँ और साग घोटता हूँ खा लेता हूँ। क्या अच्छा क्या के आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और दो बलद मांग लिया, ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिल के सरसागढ़ में हरनंद के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसी सेठ का गढ़वाला बन के सरसागढ़ में हरनंद के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंद से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपको दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है श्रद्धा के अनुसार। अब भगवान की माया, अब भगवान की लीला क्या होती है, श्री कृष्ण भगवान सहायता करने वाले उनकी साथ थे, अब कैसे भात भरते हैं भाई जी।
पर चारे से चांदी के थाल नरसी ने सुनेरी दिए कभी से गिलास सुन आपको इतिहास सुनाएंगे सतयुग के जमाने की। राजा हरिचंद्र काशी जी का राजा यानी सतयुग के जमाने की कथा है राजा त्रिशंकु जी के। कौन? महाराज हरिचंदानी वीर, जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में। विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था उनका सत दिगाने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धाजी में। आकर के होली का दिन आ जाता है, तारा रानी कहती है बेटा रोहतास के। हाँ माता जी, जाओ बेटा, घर घर में होली मनी हुई है, बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ। क्यों? कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है। विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुपकर बैठता है।
और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विश्वर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा कि हाय माँ, मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है, क्या होया इसे? तो लड़का कहता है, री माता, मालन काशी जी में चली जा, मेरी माँ का नाम तारा है, जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया, जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है, काशी जी में आती है, कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है। तो तारा रानी सुनती कहती है, हाँ बहना क्या बात है कि तेरा लड़का रोता से एक, हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था, कि जरूर गया था, तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है कभी पीटती है, और क्या कहती है, भगवान तेरी माया परंपार है, राज भी ले लिया, एक लड़का था ये भी ले लिया, अब क्या कहती है अपने बेटे को देख के, क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा, अब क्या कहती है अपने बेटे को, मोरे डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने और पाटिया बिछाती बेटा, देख तेरी हाल ने, दसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने पाटिया बिछाती बेटा, देख तेरे हाल ने, पाटिया बिछाती बेटा, देख तेरे हाल ने, और दसे गया नाग बेरी। आगे के तेरे हाल में
कौन? तारा रानी ग्यार बेजार होकर रोती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है, ग्यार बेजार होकर रोती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई, माटी से माटी मिल गई। आप कहने के झगड़े बहुत है, लड़के को लेके केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पर आ जाती है, जहाँ के राजा हरिचंद की ड्यूटी लगी हुई थी, आकर के चीता लगा देती है और राजा हरिचंद ने आकर ठोकर मारता है, ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे सवा रुपया, जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे, मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, काली भंगी का नौकर हूँ, पहले सवा रुपया दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद क्या कहता है, घाट के चौकी मेरी मैं नौकर काले का सवा रुपया का।
मैं किसी का नौकर हूँ, पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया। कि महाराज आधा बेटा मेरा है आधा आपका है, आधा कर आप प्यार करें तो आधा मैं करूं। कि नहीं रानी आपको सारा ही करना पड़ेगा। कि अच्छा महाराज एक काम करो, मेरे पास पैसा तो नहीं, चार आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज एक रुपए में मेरा आधा चीर ले लें, आप सवा रुपया महाराज ये कीमत है आप पूरा कर लें। कि अच्छा ऐसा तो नहीं, लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो, मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, जो मेरा मालिक रजावंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना। नहीं नहीं, तो चीर लेकर के गल की कंठी लेकर के कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते लो महाराज कालिए ने देखा रे हमारे कांसी जी में हरिये के, हाँ ऐसा कमजोर कौन है जिसके पास सवा रुपया भी नहीं पाया। कि महाराज एक दुखिया है उसके पास एक पैसा भी नहीं और ये मैं सवा रुपये में गल की कंठी और ये चीर ले कर आया, के ऐसा कौन है। अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है कौन। एक रोती छोटी वीर मैं जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा जोड़ के आया। मैं अपने बेटे की लाश पे भाग जमा हो
पकड़े धर्म डोरी ने पकड़े धर्म डोरी ने मैं नौकरोड़ी लाल परख मेरी करी नहीं जोरी ने मैं नौकरोड़ी लाल परख मेरी नहीं करी जोरी ने उठे गोरी ने अकड़न तेरे उठे गोरी ने अकड़न ते लड़ी वा लिख रहे तो लिखड़न दे मैं तो रोड़े के आया राजा सलीभान राज करते थे जिनके यहाँ दो रानियाँ थी एक का नाम इंछरा दे एक का नाम नौना दे राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी कौन गुरु गोरखनाथ चले आते हैं 12 साल की रानी ने सेवा करी इंछरा रानी ने और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा नाम पूर्ण भगत रखना तो गुरु गोरखनाथ का बाप खाली जाने वाला नहीं था कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है पूर्ण भक्त भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती है किसकी पूर्ण भक्त की पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से जाओ पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ उसके दो माता हैं एक नौना दे और एक इच्छरा दे जाओ अपनी माताओं के दर्शन करेगा तो पूर्ण भगत कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है और क्या कहता है पूर्ण भक्त अपनी मौसी से अपनी माता से हाथ जोड़ के राम राम ले हाथ जोड़ के राम राम ले चरणों में शीश निवाया री कर के पूरण आगे मैं बतलाया री
ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾਂ ਆਹੋ ਦੇਖਲਾ ਸਵਾਈ ਨੀ ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਂ ਕਵਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋ ਤੋ ਲੋਣਾ ਦੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸੂਰਤ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਮਤ ਕਹੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਔਰ ਮਾਤਾ ਤੋ ਵਾ ਹੋਵਤੀ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਪਤਨੀ ਅਰੀ ਮਾਤਾ ਐਸਾ ਮਤ ਬੋਲੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਪਤਨੀ ਤੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਐਸਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਯੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਏਗੀ ਆਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ ਮਤ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੂੰ ਨੌਣਾ ਦੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਯਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਮਾਨ ਲੇ ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਨ ਸੇ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਮਾਤਾ ਜਾਨ ਸੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਯਾ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਸੇ ਉਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਤ ਆਪਕੀ ਚਲਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਹਾਂ ਸੇ ਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਲਤੀ ਦਫ਼ਾ
नौना दे रानी ने एक रुमाल उसकी जेब में से निकाल लिया। अब रानी त्रिया चालक तर जाना ना को पति मार के सती हो आप चिलेक्तर दिखाती है राजा सलीभान महल माता राजा से क्या कहती है, महाराज आपका लड़के को आप मेरी बेइज्जती करी, बहुत खराब तेरा लड़का पूर्ण भगत मेरी साथ में बड़ी नाचा क्या किया। देखिए मेरी बात सुनिए महाराज, ओ तेरा पूरण मल है बदमाश है, तेरा पूरण मल बदमाश है दिखे चाले की।
सुबह उठता हूँ भोले का नाम लिया करता हूँ, नाम ले लेकर शिव शंकर का जिया करता हूँ। तो शंकर भगवान कहते पार्वती जी ऐसा कैसे हो सकता है, देखो सतयुग और त्रेता द्वापर युग और फिर कलयुग आएगा, हमें दुनिया संसार दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो इस जमाने की बात शंकर भगवान क्या कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती जी के हाँ एक सुने न पार्वती, एक सुने न पार्वती, अपने मुख से रिचेली कहली, अपने मुख से रिचेली कहली, कैसे कहूँ मैं घर की नारी, और कैसे कहूँ मैं घर की नारी, मन पाप चढ़ेगा बोता भारी, और पाप चढ़ेगा बोता भारी, कलयुग में दुनिया नाम धरेगी, कलयुग में दुनिया नाम धरेगी, कलयुग खोटा आवगा जमाना, कलयुग खोटा आवगा जमाना, अरे छोटे देंगे बड़ों को ताना, छोटे देंगे बड़ों को ताना, दया फिरे मारी मारी, और दया फिरे की मारी मारी, माता की चर्चा पुत्री करेगी, माता की चर्चा पुत्री करेगी, पिता से पुत्र नहीं डरने का, पिता से पुत्र नहीं डरने का, एक बारी कन्या पर मांगेंगे, एक बारी कन्या पर मांगेंगे, और सास बहु की बजनी लड़ाई, सास बहु की बजनी लड़ाई, सास की चुटिया बहु के हाथ में, सास की चुटिया बहु के हाथ में, बाप कमावे बेटा खावे, बाप कमावे बेटा खावे, रोज सली में देखन जावे, रोज सली में देखन जावे, लड़के लड़की की पहचान रहना, लड़के लड़की की पहचान रहना, ये सब चीजों पर महंगाई, राजा चंद्रावती रानी बांझ भाई
प्रभु शंकर ने बसम करी और तीन बचन भर दिए शंकर ने तीन बचन भर दिए शंकर ने क्या ब्याहने को आवेंगे लहरी हर ब्याहने को आवेंगे